बुंदेलखंड में दो किसानों की मौत का मामला सामने आया है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने ट्वीट किया है कि किसान मेहनत कर फसल तैयार करे तो फसल का दाम नहीं, किसान फसल उगाने की तैयारी करे तो खाद रही, खाद न मिलने के चलते बुंदेलखंड के दो किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसान विरोधी भाजपा सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। इनकी नियत और नीति दोनों में किसान विरोधी रवैया है। बता दें कि इससे पहले भी प्रियंका ने ट्वीट किया था और लिखा था कि धान खरीदारी में कुव्यवस्था के चलते लखनपुर के एक किसान को मंडी में पड़े धान में आग लगानी पड़ी थी और खाद वितरण में कुव्यवस्था के चलते ललितपुर के एक किसान को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। वहीं महंगाई को लेकर भी प्रियंका ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि हर रोज जब आप महंगा पेट्रोल डीजल खरीदेंगे तो तब याद रखिए कि मोदी सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स से 23 लाख करोड़ रुपए कमा चुकी है, और हर रोज जब महंगा तेल सब्जी खरीदे तब याद रखिए कि इस सरकार में 97 परिवारों की आय घट गई है। लेकिन खबरों के अनुसार मोदी जी के खरबपति मित्र हर रोज 1000 करोड़ कमाते हैं। बता देंगे कि एक बार फिर से प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।